दोस्तों, तो आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही टेस्टी से क्रिस्पी सैंडविच। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे लिया एक बाउल और उसमें मैं डालूंगी 2 से 3 चम्मच अरारोट और 2 चम्मच डालेंगे हम यहाँ पे मैदा और 1/4 चम्मच अब मैं डालूंगी यहाँ पे नमक। अब इसका जो है एक पतला पानी से डाल के घोल तैयार कर लेंगे। अब इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। थोड़ा सा पानी और ऐड कर देती हूँ मैं इधर। तो देखिए अरारोट और मैदा का हमारा घोल तैयार है। तो अब हम करते हैं यहाँ पे दूसरा प्रोसेस और इसे साइड में रख देते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिए 7 से 8 ब्रेड। अब ब्रेड को जो है एक एक करके इस तरह से प्रेशर करके चकले से बेल लेंगे ताकि ये बिल्कुल मुलायम हो सके। तो इसी तरह से सभी ब्रेड को हम बेल लेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने सभी ब्रेड को अच्छे से बेल लिया है। अब एक एक ब्रेड करके इस तरह से इसकी राउंड करके स्लाइस निकाल लेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिया है ग्लास, आप इस तरह का कोई भी ग्लास या फिर कुछ और शेप वाला राउंड आपके पास हो वो ले सकते हैं। और इस तरह से हम एक एक करके सारी ब्रेड्स को इस तरह से निकाल लेंगे। तो दोस्तों आप अपनी पसंद का किसी भी शेप में जो है ब्रेड को निकाल सकते हैं। यहाँ पे मैं एक और शेप करके दिखा देती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए एक मैंने इस तरह से निकाल लिया है, बाकी हाफ कट इसको हम फ्राई करने के बाद करेंगे। तो देखिए मैंने सभी ब्रेड्स को इस तरह से निकाल लिया है। अब जो हमारी ब्रेड बची है हम उसको जो है मिक्सर में ग्राइंड कर लेंगे। तो देखिए हमारी ब्रेड जो अच्छे से ग्राइंड हो चुकी है। अब इन्हें जो है मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो अब हम बना लेते हैं सैंडविच की स्टफिंग। तो यहाँ पे मैं थोड़ा थोड़ा करके सभी वेजिटेबल्स ऐड करूंगी। सबसे पहले मैं डालूंगी यहाँ पे चॉप्ड पत्ता गोभी 2 से 3 चम्मच। थोड़े से चॉप्ड गाजर, थोड़ी सी बॉइल्ड कॉर्न, अनियंस करीब 2 से 3 चम्मच और थोड़े से बारीक कटे शिमला मिर्च। अब हम यहाँ पे डालेंगे 1/2 चम्मच ओरिगैनो, आधा चम्मच जो है चिली फ्लेक्स और 1/2 चम्मच काली मिर्च पाउडर और 1/4 चम्मच नमक। और अब हम इसमें ऐड करेंगे मेयोनीज सॉस। आप किसी भी कंपनी की दोस्तों जो भी आपके पास अवेलेबल है वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैं विभा की मेयोनीज सॉस यूज़ कर रही हूँ। तो कम से कम 2 से 3 चम्मच मैंने मेयोनीज सॉस यहाँ पे ऐड कर दी है। अब इन सभी चीज़ों को जो है वेजिटेबल्स को मसालों के साथ अच्छे से मिक्स कर देंगे। तो यहाँ पे थोड़ी सी और मेयोनीज मैं ऐड कर देती हूँ।
और फिर से एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। तो देखिए आपको इस तरह से बिल्कुल जो ये पेस्ट होगा आपका वेजिटेबल्स का और मेयोनीज का एकदम गाढ़ा रखना है। तो देखिए हमारी सैंडविच की स्टफिंग तैयार है। अब इसे एक एक करके जो है ब्रेड के अंदर फिल करते हैं। तो अब मैं एक एक करके सभी ब्रेड्स में जो है इस तरह से स्टफिंग डाल देती हूँ। और इस तरह से जो है दूसरे ब्रेड को आपको चिपका देना है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसको रेडी कर लिया है। तो दूसरा ब्रेड भी मैं इसी तरह से फिल कर लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, और आपको जो अच्छे से प्रेशर देना है इस पे ताकि ये अच्छे से चिपक जाए इस तरह से। और मैं इस ब्रेड में भी भर लेती हूँ। चारों तरफ से अच्छे से फैला देंगे। अब दूसरी ब्रेड को इस तरह से अच्छे से जो है प्रेशर करके इस पे चिपका देंगे और इस तरह से आपको प्रेस करना है। और देखिए कितने अच्छे से हमारा सैंडविच चिपक चुका है। अब जो है इन्हें जो है फ्राई करना शुरू करते हैं। अब हमने जो घोल बना के रखा था उसको एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे, क्योंकि क्या होता है दोस्तों जो अरारोट होता है वो बिल्कुल नीचे बैठ जाता है। तो जब भी आप जो ब्रेड को डीप करें तो इस तरह से जो है चम्मच को ज़रूर इस तरह से हिला लें। अब आपको जो एक एक करके ब्रेड की सैंडविच स्लाइस लेनी है और इसे इस घोल में डीप करके और जो हमने ब्रेड को ग्राइंड करके रखा था उसको इस तरह से चिपका लेना है। अब इसे जो है फ्राई करेंगे हम। तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑयल को जो है पहले ही प्री हीट कर लिया था। अब जो हमने ब्रेड है ये इसे फ्राई कर लेंगे। अब इसे लो फ्लेम पे जो है चारों तरफ से अच्छे से पलट पलट के सेक लेंगे। तो देखिए हमारा जो ब्रेड क्रिस्पी सैंडविच है वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। अभी ने जो है मैं एक प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो इसी तरह से जो है मैं बाकी सैंडविच भी फ्राई कर लेती हूँ। दोस्तों एक बार फिर से स्पून से इस तरह से घोल को हिला लेंगे और इसे डीप करेंगे घोल में चारों तरफ से अच्छे से ब्रेड की कोटिंग लगा लेंगे। अब फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल देंगे। तो देखिए हमारा ये वाला क्रिस्पी सैंडविच भी तैयार हो चुका है। इसे भी निकाल लेते हैं। तो जो हमने स्क्वायर में बनाया था सैंडविच उसको इस तरह से मैं कट कर लूंगी, ट्रायंगल शेप का इसे बना दूंगी। अब इसे इस घोल में जो है डीप कर लेंगे। ब्रेड की कोटिंग करेंगे ऊपर से और साइड से भी अच्छे से। अब इसे फ्राई होने के लिए ऑयल में डाल देंगे। तो देखिए दोस्तों हमारा ये ब्राउन होना शुरू हो चुका है सैंडविच। तो एक एक करके मैं बाकी बचे वाले सैंडविच भी बना लेती हूँ। तो देखिए दोस्तों हमारे क्रिस्पी फ्राइड वेज सैंडविच बनके तैयार है और कितने अच्छे बने हैं दोस्तों। तो मैं आपको इसको कट करके अंदर की स्टफिंग भी दिखा देती हूँ। तो आपको
मेरे कट करने की जो वॉइस है उससे पता चल रहा होगा कि ये कितने क्रिस्पी बने हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितने अच्छे हमारे सैंडविच बन के तैयार हुए हैं। अब इन्हें जो है हम एक प्लेट में सर्व करेंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे क्रिस्पी वेज सैंडविच बन के तैयार हैं और कितने अच्छे बन के तैयार हुए हैं। तो दोस्तों, आप भी प्लीज मेरी ये रेसिपी जरूर ट्राई करें, आप लोगों को बहुत ज्यादा पसंद आएगी और बच्चों को तो ये बहुत 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 ही ज्यादा अच्छी लगेगी दोस्तों। तो प्लीज अगर आज आपको मेरी रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना ताकि मेरी नई नई रेसिपीज जो है वो आप लोगों तक पहुंच सके। तो इसी के साथ हम मिलेंगे आपको एक नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।